नमस्कार दोस्तों दोस्तों क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपका कॉलम सेंटर लाइन से 6 इंची भाग गया? तो उस सिचुएशन में अब क्या करें कि भाई सेंटर लाइन मतलब जो सीधा में होना चाहिए कॉलम, वो कॉलम नहीं है, वो 6 इंची हम कहीं और जगह कास्टिंग कर चुके हैं। अब आज हम इस वीडियो के जरिए कैसे उसको जो है शिफ्ट करेंगे, और आज जो हम तरीका बताएंगे, ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताएंगे शिफ्ट करने का कॉलम, आप बोलेंगे यार इतना आसान कैसे हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, हम आपको पूरा डिटेल के साथ बताएंगे कि शिफ्ट करने में हमें क्या करना पड़ा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कॉलम का फुटिंग ढलाई हो चुका है, कॉलम फुटिंग ढलाई हो चुका है। अब इस सिचुएशन में फिर जब सेंटर लाइन लिया गया तो पता चला कि भाई 6 इंची उसको हम कहीं और लेकर चले गए। अब उसको 6 इंची शिफ्ट करना है, तो हम यहाँ पे जो कॉलम का साइज है, आप यहाँ पे देखिए ज़रा सा, एक्चुअल में जो यहाँ पे सेंटर लाइन 6 इंची अंदर जा रहा है, और कॉलम का साइज की हम बात कर रहे हैं, 9 इंची बाय 12 इंची का ये कॉलम ढलाई हमें बनाना था, और ये बाहर साइड चला गया है। अब इसको हमको और अंदर लेना है, जो कि आप जो प्लम बॉब जो यूज किया जा रहा है पूरा, कि भाई उसका सेंटर कहाँ होगा, देखिए एक्चुअल में वहाँ आएगा। अब इसको शिफ्ट कर, यहाँ पर मेरा फुटिंग भी ढलाई हो गया। अब इसमें मन में ख्याल आएगा कि पहले फुटिंग को तोड़ तार देते हैं, फिर से नया कॉलम खड़ा करें, भाई इसमें बहुत मेहनत है, ऐसा क्यों करें, दूसरा उपाय पे क्यों न चले। तो अब ऐसा तरीका जो कि हमको ओनली जो है शिफ्ट करना है 6 इंची अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि भाई इस चीज़ को लेकर के, तो चलते हैं हम आपको प्रैक्टिकल बताते हैं कैसे इसको शिफ्ट किए हैं मैंने, ज़रा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पे क्या है कि इस जो अभी शिफ्ट का काम चल रहा है, ज़रा देखिए, हम आपको यहाँ पे जैसे ये मेरा कॉलम हो गया, ठीक है, पहले का सेंटर लाइन जो ढलाई हुआ फुटिंग इसका यहाँ से था, लेकिन अब जो है ये सेंटर लाइन जो है यहाँ से 6 इंची मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है, डिस्टेंस कितना 6 इंची का, इतना तक समझ पा रहे हैं। और इसका साइज है 9 इंची बाय 12 इंची, और इसमें जो रेनफोर्समेंट यूज हुआ है टोटल 6 पीस रेनफोर्समेंट यूज हुआ है, ठीक है, और ये और रेनफोर्समेंट का इसका सेंटर कितना हो गया मेरा 3.5 इंची, क्योंकि रिंग इसका है, रिंग का साइज आपका 7 इंची बाय आपका 10 इंची का, तो ये आपका 7 इंची है यहाँ से यहाँ तक, तो 3.5 इंची पे आपका ये सरिया पोजिशन है। अब यहाँ पे क्या है देखिए, तो हमें जो है फुटिंग को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, बस उसको हल्का सा रफ कर देना है, और कवर ब्लॉक आप यहाँ जो देख रहे हैं, कवर ब्लॉक यूज करके जो है इसके ऊपर एक नया जाली बनाएंगे, मतलब फुटिंग के ऊपर एक और फुटिंग। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा जो है ये वाला ये 3 सरिया को हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है, 1 2 3 इसको नहीं छेड़ना है, और ये 3 सरिया को हमको जो है क्या कर देना, कट काट देंगे, जैसे यहाँ देख रहे हैं यहाँ जो था 1 2 3 सरिया इसको बिल्कुल काट दिए, और ये वाला सरिया को हम नहीं छोड़े हैं। और फिर से अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे देख रहे हैं जाली लगा दे रही है, तो यहाँ पे हम फिर से जो है फुटिंग का जाली बिछाएंगे, फुटिंग के ऊपर फुटिंग समझिए, फिर से हम फुटिंग जाली लगा देंगे, कवर ब्लॉक दे दिए, फुटिंग जाली लगा दिए। अब जो है यहाँ से एल करके, ये देख रहे हैं ये रेनफोर्समेंट जो यूज हो रहा है, एल करके ये सरिया को, ये तो पूरा पहले से, ये वाला सरिया को एल करके हम ऐसे करके लगा देंगे जितना 3 सरिया है, तो न्यू रेनफोर्समेंट जो अब मेरा आया यहाँ पे
तीन रेनफोर्समेंट आपका यहाँ पे आ गया, 1, 2, 3। तो नया कॉलम जो मेरा यहाँ पे बना वो ये बना, देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, नया कॉलम मेरा यहाँ से कुछ इस तरीके से मेरा नया कॉलम बन गया। क्लियर हुआ? ये रेनफोर्समेंट को हम छेड़खानी नहीं किए, नया रेनफोर्समेंट जाली दे करके एल मार करके एल दे करके जो है यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं इसको कर दिया। अब थोड़ा सा इसका वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, कन्फ्यूज हमको लगता कर रहे होंगे। ज़रा देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे जो है आप एक्चुअल जो अभी का पुराना को छोड़ करके एक्चुअल का सेंटर लाइन निकाल लीजिए, भाई सेंटर लाइन क्या है, ठीक है, उसका सेंटर लाइन मार्किंग दे दीजिए और फिर तब जा करके जैसे जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आपके ऊपर से प्लम बॉब से सेंटर लाइन जो है दिया जा रहा है। सेंटर लाइन दे देने के बाद जो है तब जा करके इसका नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, हम इसको थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। हाँ, अब इसमें दिखाएंगे आपको, एक रेनफोर्समेंट वहीं पे है, दूसरा रेनफोर्समेंट कॉलम का जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट मेन बार है उसको जो है इनपुट किया जा रहा है, डाला जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बन चुका है, और ज़रा यहाँ देखिएगा ज़रा सा तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, बहुत ही जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे जो बताऊँगा मैं। ज़रा ये देखिए, तो आपको कुछ चीज़ें जो है अगर यहाँ पे देखिए फुटिंग ढलाई हो चुका है तब की बात बता रहा हूँ। देखिए प्रीवियस जो कॉलम था मेरा यहाँ पे, ये देखिए उसका सरिया 1, 2, 3 यहाँ कटा हुआ, ये जो है प्रीवियस फुटिंग का से निकला हुआ ये है 3 सरिया 1, 2, 3, और नया जाली फिर से दिए हैं, कवर ब्लॉक दिए हैं, और ये जो है एल देकर ये जो है नया सरिया कॉलम का 3 ठो जो हम बताए थे आपको वो यहाँ पे दे दिए। ज़रा देखिए यहाँ पे, ये हम बता रहे थे ना नया कॉलम का सरिया हम यहाँ पे दे दिए, इसका इधर एल रहेगा, ऐसे हो गया मेरा रेडी। 6 इंची का डिफरेंस था ही, आराम से जो है मेरा एक कॉलम को छेड़खानी नहीं करना पड़ा, दूसरा कॉलम से ही मेरा जो है काम चल गया। तो अब फिर तो अब मन में ख्याल आया होगा कि सर फुटिंग का, फिर देखिए फुटिंग पहले ढलाई हो चुका था 6 इंची का और उसका सरिया भी आपको अंदर था, तो अब ये सरिया को हम कट करके अब इसको हम लोग जो है इस सरिया को हम कट कर दिए, इसको रखना है हमें, और फिर एक नया जाली हम फिर से लगाए इसके ऊपर, नया जाली फुटिंग के ऊपर नया जाली फिर से लगाए, नया जाली दे करके फिर से जो है अब ये रेनफोर्समेंट को शिफ्ट कर दिए हम इधर इसके ऊपर, और यहाँ रिंग दे करके एक नया मेरा पिलर बन गया आपका, और ये भी आपका जो 6 इंची फिर से मेरा ढलाई, टोटल टोटल जो फुटिंग का साइज कितना हो गया 6 इंच 1 फिट का हो गया। तो इस तरीके से जो है आप आराम से अगर शिफ्ट कर सकते हैं, और ये तरीका आपको कोई भी किताब में नहीं मिलेगा, और ये टेक्निकली सही भी है, ऐसा जो प्रैक्टिकल ही आपको जो है कंस्ट्रक्शन साइट में सीखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के ज़रिए जो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर फुटिंग ढलाई के बाद अगर आपको पता चला चाहे आपका जो है 2-3 इंची भी, तो आप जस्ट उसके पास अगर ठीक है ज़्यादा अगर भाग रहा है 1 फिट भाग रहा है तो फिर उसको जो है पूरा सरिया काट दीजिए, फिर से जाली बिछाइए और उसके ऊपर जो आप जो है कॉलम खड़ा कर दीजिए, है ना कमाल की चीज़। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन दिखेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।